जो रिवर्स पीटीओ के साथ न्यू लुक में और न्यू डिजाइन में दी गई है, और इसमें आपको 5-स्टार का बैजिंग मिल जाएगा 4X4 के साथ। किसान भाई, आज जो हम बात करने वाले हैं स्वराज 855 FE4WD के बारे में, जो किसान भाई काफ़ी पसंद करते हैं स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर को। स्वराज ट्रैक्टर में ऐसे क्या चीज दे दिए है किसान भाई, इसकी क्यों डिमांड इतनी बढ़ गई है? किसान भाई हमारी सबसे स्वराज को इतना पसंद करते हैं, काफी किसान भाई हमारी स्वराज को पसंद करते हैं। स्वराज 855 की तो जवाब ही नहीं, इसमें काफी शानदार आपको लुक भी मिलेगा, डिजाइन भी मिलेगा, और इसमें आपको रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन भी मिलेगा। और सामने की तरफ आप जो रेडिएटर दी गई है, इसमें आपको शानदार रेडिएटर दी गई, काफी बड़े टाइप इसके आप रेडिएटर को लुक देख सकते, और इसमें आगे की तरफ आपको बम्पर लगाने के लिए कंपनी ने आपको होल दे रखे हैं। इसमें आप बम्पर सेट कर सकते हैं या कोई भी एप्लीमेंट लगा सकते हैं। एप्लीमेंट के लिए आपको दी गई है यहाँ जो ऑप्शनल पॉइंट दे रखी है कंपनी। किसान भाइयों, इसकी बात करेंगे हम इंजन की, तो इसमें जो आपको दमदार इंजन देखने को मिलेगा, 3308cc का दमदार इंजन मिलेगा जो बॉस के इनलाइन पंप के साथ आती है। 3 सिलेंडर इंजन दी गई है इस ट्रैक्टर में कि आप देख सकते हैं। जो पावर स्टीयरिंग ऑयल दी गई है, इसमें आपको एक्स्ट्रा कंपनी फिटेड 2-2 डीजल फिल्टर दी गई है और एक वाटर सेपरेट दी गई है किसान भाइयों। और इसमें आपको किसान भाइयों जो 2000 इंजन रेटेड आरपीएम से काम करती है, और ये ट्रैक्टर जो है बिल्कुल 50 से 55 कैटेगरी के अंदर आपको। और इसमें जो यार फिल्टर की बात करें किसान भाइयों, तो इसमें आपको 3-स्टेज विथ क्लीनर के साथ आपको मिल सकती है, काफी शानदार क्वालिटी। आगे की फोर व्हील एक्सेल की जो बात करें, आप करारो कंपनी के आगे की फ्रंट एक्सेल दी गई है जो पडलिंग करने की काफी सुविधाजनक एक्सेल बनाई है कंपनी ने। और नीचे की जो इसकी जो मेन शाफ्ट आया है इंजन की चेसिस के अंदर से, वो काफी शानदार है जी। सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग के साथ दी गई है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो पंप दी गई है किसान भाइयों, एक हाइड्रोलिक पंप और एक पावर स्टीयरिंग पंप दी गई है जो सेपरेट दी गई है स्वराज ट्रैक्टर में। इंजन ऑयल फिल्टर दी गई है इसमें, आप देख सकते हैं। और इस तरफ जो दी गई है ये हाइड्रोलिक फिल्टर दी गई है किसान भाइयों। और इसमें आपको अल्टरनेटर मोटर भी देखने को मिलेगा, और इसमें 3 पिस्टन, और इसमें आप कूलिंग बॉक्स भी देखने को मिलेगा जो कूलिंग बॉक्स बनाए हैं। रेडिएटर को ठंडा करने के लिए आपके मेटल के पंखे दी गई है, और इसमें साइड में आपको बैटरी पैक करके दी है, जो स्वराज कंपनी ने साइड में बैटरी सभी पैक करके देते हैं। पीछे के हिस्से की बात करें, 1700 kg का लिफ्टिंग क्षमता दी गई है इस ट्रैक्टर में। और इसमें आपको स्टेपलर जैक देखने को मिलेगा जो एडजस्टेबल जैक, और स्वराज कंपनी ने इसमें जो पीछे की एप्लीमेंट लगाने के लिए आपको अलग से स्वराज कंपनी ने दी गई है एप्लीमेंट लीवर। और इसमें आपको कंपनी फिटेड डिसिबल भाप मिल रही है, 2-2 कंपनी फिटेड। पहले किसान को ये एक्स्ट्रा करके लगाना पड़ता था, अभी जो है स्वराज कंपनी ने आपको 2-2 डीसीबी भाल लगा के दे रही है कंपनी। टॉपलिंग लगाने के लिए, तो किसान भाइयों जो होल दी गई है टॉपलिंग लगाने के लिए, आपको 3 होल दी गई है इसमें, आप देख सकते 3 होल दी गई है। और सेंसिंग भी कमाल अच्छी करती है, करे तो इसमें आपको 540 और रिवर्स पीटीओ और मल्टी स्पीड पीटीओ देखने को मिलती है किसान भाइयों। पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक के टोल बॉक्स दी गई है, और इसमें आपको पीछे की जो रियर टायर देखने को मिलेगा, 1428 के पीछे की रियर टायर दी गई है। और आगे की फ्रंट टायर की बात करें, तो किसान भाइयों आगे की जो फ्रंट टायर दी गई है वो 9520 के आगे की फ्रंट टायर दी गई है किसान भाइयों। एडजस्टेबल सीट दी गई है इसमें, और इसकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लास बोर्ड जो दी गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बोर्ड दी गई है। और इसकी ऑन का स्विच भी काफ़ी अच्छी है, और आप इसमें कार के कंबेशन स्विच दी गई है। फोर व्हील और टू व्हील डिसएंगेज करने के लिए आपको दी गई है इस लीवर की सहायता से, आप फोर व्हील और टू व्हील ऑपरेट करने में सुविधा होगी। इसमें आपको पीटीओ क्लच दी गई है, और इसमें आपको 540 और रिवर्स पीटीओ का स्पीड देखने को मिलेगा जो मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ आया है। इसमें काफ़ी बदलाव किए कंपनी ने। और इस तरफ जो आपको देखने को मिलेगा PCDC लीवर, और कंपनी ने इसमें आपको DCB वाल्व के लिए आपको अलग से लीवर लगा के दी है कंपनी ने। और कंपनी इसमें आपको एक बैटरी चार्ज मोबाइल रखने की जगह भी बनाई है कंपनी ने। इसमें जो ब्रेक दी गई है ये मल्टी ऑयल ब्रेक दी गई है। और क्लच की बात करें, तो इसमें आपको सिंगल डबल दोनों क्लच में उपलब्ध है, जो ट्रांसमिशन के लिए अलग क्लच दी गई है, पीटीओ के लिए आपको अलग क्लच दी गई है किसान भाइयों इस तरफ। और गियर की बात करें, तो इसमें आगे की 8 गियर और पीछे चलने के लिए 2 गियर दी गई है इसमें, जो हाईलो के साथ आती है। और इसमें आपको बिल्कुल सेंटर सीट गियर बॉक्स के साथ आएगा, और इसमें आपको कॉन्टेन मैस गियर बॉक्स दी गई है, जो गियर काफी सुविधाजनक हिसाब से काम करती है, गियर काफी भी आवाज नहीं करती है किसान भाइयों। और इसकी डीजल टैंक की बात करें, तो इसमें आपको सामने की तरफ आपको डीजल टैंक देखने को मिल जाएगा। इसकी अगर वारंटी की बात करें, तो इसमें आपको 6000 घंटे या 6 इयर्स की वारंटी मिल रही है इस ट्रैक्टर पे।